back to my channel Lessons at Fingertips. Here we discuss on some important topics in really simple words so that it's easy for you all to understand and keep things in mind. So recently you have been seeing a lot of traveling videos for past couple of days. So as I always say, पढ़ाई के साथ traveling is also important. So let's come back to some पढ़ाई लिखाई, है ना? Because बहुत ज्यादा घूमना फिरना भी हो गया, तो अभी फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ठीक है? So today what we are going to discuss about is a concept called CRM, Customer Relationship Management, ठीक है? उसका हम लोग एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे जिसमें we will discuss कि what is a CRM actually, then we will discuss कि why should company adopt CRM, then we will discuss few types of CRM. So CRM क्या चीज है ना? सपोज कि यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप बिजनेस के ओनर हो, तो आपके डेफिनेटली यू हैव कस्टमर्स, राइट? तो अभी जो कस्टमर्स है, जस्ट इमेजिन कि सपोज ये एक बैंक हो गया, बैंक के अपने कस्टमर्स है ना? तो इट्स नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर ब्रांड बैंक, राइट? दूसरे भी बैंक्स होते हैं, देयर आर कॉम्पिटिशंस दैट इज गोइंग ऑन. So, कुछ ये जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है, वाई विल दिस कस्टमर प्रेफर दैट पर्टिकुलर बैंक ओनली एंड नॉट इट्स कम्पिटिटर्स, और हाउ इज दैट बैंक गोइंग टू एक्ट डिफरेंट कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके. तो यही पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ CRM, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप का मैनेजमेंट, ठीक है? तो CRM क्या होता है? एक इनिशिएशन होता है, ठीक है? इनिशिएशन फॉर व्हाट? For enhancement and maintenance of mutually beneficial relationships, mutually beneficial relationship between customer और partner, जो कि long term relationship होता है, okay? So ये जो एक mutually beneficial relationship है, मतलब कि आपका business है, you are providing service to the customer, customer उसके return में आपको payment दे रहा है. So there is a mutual relationship that is going on. तो इसी को initiate करने के लिए, इसी को enhance करने के लिए, to give a better experience, ठीक है? और इसी long term relationship को maintain करने के लिए जो use होता है उसको बोलते हैं CRM. तो CRM is the initiation, enhancement and maintenance of mutually beneficial customer or partner long term relationship through business intelligence. Now here comes the thing, how are you as a business going to stand out than the other competitors by using business intelligence, BI, ठीक है? तो CRM is based on business intelligence and not artificial intelligence. Remember that it's based on business intelligence. तो इसमें ये जो based on business intelligence है, इसका काम क्या है? It's based on the capture, the storing and the analysis of the information. तो एक बिजनेस को अपने कस्टमर्स का बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करना पड़ता है. What kind of product you have? What are the potential customers? What do your potential customer actually want and what do they need? So you need to analyze all these informations, how much they are ready to pay you for that particular service or particular product, है ना? तो ये जो informations होता है इसको collect करके रखना पड़ता है, and these information, these database is the storehouse, it's the treasure of any company or any business, ठीक है? तो यही करने के लिए वी यूज व्हाट? CRM, ताकि आप इसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सको कि पर्टिकुलर मार्केट एरिया में, पर्टिकुलर पोटेंशियल कस्टमर्स में व्हाट आर देयर वांट्स, डिमांड्स, नीड्स, राइट? सो यही होता है CRM. तो अब एक कंपनी, व्हाई शुड अ कंपनी अडॉप्ट फॉर CRM? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लेड फैक्टर्स, ठीक है? जो कि ड्राइव करता है अडॉप्शन ऑफ CRM को. तो इसमें कुछ डिमांड फैक्टर्स हैं, कुछ सप्लाई फैक्टर्स हैं. डिमांड फैक्टर्स मतलब क्या? राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन. तो कस्टमर्स जो है वो भी बहुत चालाक है, वो जानते हैं कि मार्केट में देयर आर व्हाट? लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स. तो आप मुझे ये नहीं दे रहे हो, हम दूसरे कस्टमर के पास चल जाएंगे। आप नहीं दे रहे हो, हम तीसरे बिजनेस के पास चल जाएंगे, है ना, कंपनी के पास। सो इट्स नॉट कि सिर्फ आप अकेले मोनोपोली चला रहे हो यहाँ पे, है ना। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। सो ऐसे सिचुएशन पे कस्टमर भी सोचेगा, कस्टमर को भी पता है कि दे आर वेरी प्रेशियस टू अ कंपनी और अ बिजनेस। सो वो भी सोचेंगे कि आई नीड बेटर ट्रीटमेंट, है ना। तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो डिमांड हो गया यहाँ पे यही कि राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सप्लाई क्या हो गया? अफोर्डेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और डिक्लाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट। सो जब आप सीआरएम को इम्प्लीमेंट करते हो तब आपका क्या होता है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ता है इसका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो कॉस्ट होता है वो भी काफी डिक्लाइन करता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, और कम्युनिकेशन कॉस्ट भी रहता है, तो ये सब बहुत डिक्लाइन कर जाता है व्हेन यू इम्प्लीमेंट सीआरएम। तो ये हो गया हमारा व्हाई शुड अ कंपनी अडॉप्ट फॉर सीआरएम, उसका डिमांड और सप्लाई साइड। नेक्स्ट आते हैं स्कोप एंड एवोल्यूशन ऑफ सीआरएम। इसका स्कोप एंड एवोल्यूशन में एक्चुअली 3 डिफरेंट सेगमेंट्स है। पहला इज कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सीआरएम। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट अ पार्ट ऑफ सीआरएम, एंड सेल्स मैनेजमेंट अ पार्ट ऑफ सीआरएम। तो ये सारे मिलके बनते हैं टोटल का सीआरएम। CSM कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट भी करना रहता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी हो जाता है, सेल्स मैनेजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है थ्रू सीआरएम। गॉट इट। अभी आ जाते हैं सिंपल सा टाइप्स ऑफ सीआरएम में, जो कि है हमारा ऑपरेशनल और एनालिटिकल सीआरएम। और भी होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम, बट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 सीआरएम का टाइप है, ऑपरेशनल और एनालिटिकल। ऑपरेशनल सीआरएम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस सीआरएम भी बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे जितना भी काम होता है दैट इज फ्रंट ऑफिस बेस्ड। मतलब इट इन्वॉल्व्स एरियाज वेयर डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट ऑकर्स, ठीक है। मतलब कि बिजनेस से और कस्टमर तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज ऑपरेशनल सीआरएम। मतलब कि कस्टमर आपको कॉल किया हेल्प सेंटर पे, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस किए, दैट इज ऑपरेशनल सीआरएम में हुआ। फिर वेब एक्सेस, आप देख लिए कि कस्टमर कैसे कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें से क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको क्या क्या कस्टमाइजेशन आप दे सकते हो, ये सब हो गया। ईमेल्स हो गए, यूसेज हो गया, यही सारी चीजें क्या होता है कि एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली वो लोग बातें करते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। तो इट एनेबल क्या करता है, इट एनेबल्स एंड स्ट्रीमलाइंस कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम कस्टमर्स, बट इट डजंट नेसेसरीली मीन ऑप्टिमाइजिंग सर्विसेज। यही पे इट्स नॉट कि ऑपरेशनल सीआरएम में ही ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्विसेज विल टेक प्लेस। इट्स जस्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द बिजनेस। तो आप ये डायग्राम अगर देखोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट फ्रॉम रिफाइंड बिजनेस एक्शंस, ठीक है। रिफाइंड बिजनेस एक्शन में ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, इंटरेक्शंस जो टेक प्लेस करते हैं बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, इसको हम लोग कस्टमर टच पॉइंट भी बोलते हैं। कस्टमर टच पॉइंट 2 तरह के होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। तो ये कस्टमर टच पॉइंट में आप देखो कॉल सेंटर आ गया, वेब एक्सेस आ गया, ईमेल आ गया, यूसेज आ गया, डायरेक्ट सेल्स आ गए, ये सारे हो गए कस्टमर टच पॉइंट। फिर आते हैं द मेन थिंग दैट इज कस्टमर। सो ये होता है ऑपरेशनल सीआरएम का डायग्राम। नाउ कमिंग टू एनालिटिकल सीआरएम का डायग्राम। सो एनालिटिकल सीआरएम इज बेसिकली बैक ऑफिस जो बोलते हैं उसको, या तो स्ट्रैटेजिक सीआरएम भी बोला जाता है ना। क्या होता है कि ऑपरेशनल सीआरएम में ये जो कॉल सेंटर हो गया, वेब एक्सेस हो गया, ईमेल हो गया, डायरेक्ट सेल्स हो गए, ये सारी जगह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं अबाउट द कस्टमर, और बिजनेस क्या करता है, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है ना। तो ये जो एनालाइजिंग पार्ट है ये आता है हमारा एनालिटिकल सीआरएम में, और इसमें क्या होता है, ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होता है पूरा। ये इन्वॉल्व क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एक्टिविटीज दैट ऑकर्ड इन द फ्रंट ऑफिस। तो ये जो फ्रंट ऑफिस में कस्टमर क्या क्वेश्चंस पूछे, कस्टमर से जो डेटा मिला, ये जो सारी चीजें हुए, इसी को एनालाइज करते हैं हम लोग बैक ऑफिस में, विच इज एनालिटिकल सीआरएम में। इसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये स्टार्ट होता है रिफाइंड बिजनेस से, मतलब इट्स नॉट स्टार्ट, इट एंड्स एट रिफाइंड बिजनेस। दिस वन स्टार्ट्स एट रिफाइंड बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम मतलब क्या, इसका है क्या कि बिलिंग, प्रोविजनिंग, सेल्स, कॉल सेंटर, ये चार हो गए, चार और भी ऐसे तरह की चीजें होते हैं जो कि बिजनेस सिस्टम हुए। अब ये बिजनेस सिस्टम, ये जो कॉल सेंटर हुआ ना, कॉल सेंटर से कस्टमर फीडबैक की तरफ जाता है, कॉल सेंटर से इंटीग्रेटेड डेटाबेस की तरफ भी जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन में आता है, पहले आता है क्या, बिजनेस सिस्टम, फिर आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आते हैं दो चीजें, एक होता है इंटीग्रेटेड डेटाबेस और दूसरा होता है आपका कस्टमर फीडबैक, ठीक है, ये दो होते हैं इन्फॉर्मेशन में। अब तीसरा आता है एनालिसिस में। ये जो इंटीग्रेटेड डेटाबेस मिला हमें, हम इसमें यूज करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस, BI, मतलब कि जितना भी डेटाबेस कैप्चर किए, स्टोर किए, एनालाइज करेंगे इन इन्फॉर्मेशन को, तो वो होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। और जो कस्टमर फीडबैक हमें मिला उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो भी कस्टमर फीडबैक मिला उसको हम लोग यूज करेंगे टू प्रोसेस द इम्प्रूवमेंट, एंड एट द एंड वी विल गेट अ रिफाइंड बिजनेस एक्शन। सो हमारा ऑपरेशनल सीआरएम, जो फ्रंट ऑफिस सीआरएम है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रिफाइंड बिजनेस एक्शन से, फिर जाता है कस्टमर टच पॉइंट्स पे, एंड यूजिंग कस्टमर टच पॉइंट जाता है कस्टमर पे। बट एनालिटिकल सीआरएम स्टार्ट करता है फ्रॉम बिजनेस सिस्टम्स टू इन्फॉर्मेशन टू एनालिसिस, एंड देन वी हैव अ रिफाइंड बिजनेस एक्शन। So these were our introductory video on CRM, where we discussed about the definition of CRM, why companies should adopt CRM, the scope and evaluations of CRM, and two different types of CRM, which are one of the two most important types. Other than that, और भी different CRMs हैं जो मैं next videos में आपके साथ discuss करूँगी. So I hope you guys have liked this video. Please do hit a like and subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you. Bye bye.